नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा सा BPSC 67 का जो कट ऑफ आया है उसमें थोड़ा सा विश्लेषण देख रहा हूँ और आप लोग के सामने प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। और उसमें भी स्पेशली जो है SC कैटेगरी के लिए मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो सबको पता ही हो गया है कि 108 पिछले साल था और 113 जो गया है, तो ये नाइट मेयर सा एकदम लग रहा है लोगों को। तब स्तब्ध है कि कट ऑफ इस लेवल पे गया, वो तो सबको पता ही है। लेकिन इसमें एक बारीक चीज़ जो मैं देख रहा था उसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, स्पेशली SC कैटेगरी के लिए। उससे पहले मैं कुछ बोलूँ तो एक डाटा है वो देख लेते हैं। पिछला सारा जो प्रीवियस कट ऑफ रहा है तो मैंने 63rd से लिया है, मतलब 63वीं से लेकर 67वीं तक का डाटा लिया है। उसमें मैं जनरल और SC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कैसे ये बढ़ रहा है, तो जनरल का भी बढ़ रहा है तो SC का भी किस तरीके से बढ़ रहा है। तो 63rd को लेते हैं, मतलब 63वीं BPSC का लेते हैं, तो उसमें PT का कट ऑफ 96 था, 96, और SC कैटेगरी के मेल का जो कट ऑफ गया था वो 84 था। फिर 64वीं BPSC लेंगे तो वो 96 से बढ़ के 97 हो जा रहा है जनरल कैटेगरी का, और SC कैटेगरी की बात करें तो वो हो जा रहा है 85, ठीक है। 65th लेंगे, 65वीं की बात करते हैं BPSC, तो जनरल का 97 ही रहा, जो 64वीं की तरह ही रहा, और SC मेल कैटेगरी का जो हुआ वो हुआ 89, ठीक है। फिर 65वीं से 66वीं BPSC जब आया तो उसमें कट ऑफ 97 जो जनरल का था पिछले साल, वो 97 से 108 बढ़ के गया, ठीक है। और SC कैटेगरी जो 65वीं में 89 था वो बढ़ के 95 गया, यानी कि यहाँ रिलेटिवली देखा ये तो जब 96 था तो 84, जब 97 था जनरल का तब SC का 85, जब जनरल का फिर 97 गया तो SC का 89, फिर जनरल का जब 108 गया तो SC का 95, यानी कि अगर 97 से 108 यानी 11 नंबर जब जनरल वालों का बढ़ा तो SC का उस हिसाब से 6 नंबर बढ़ा। और इस बार अगर देखा जाए 66 के बाद 67वीं पे तो वो 108 से उनका 113 गया है, 5 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए SC कैटेगरी में तो 95 से सीधा 104 नंबर का, ये तो उछाल सबको दिख रहा है कि 108 से 13 जनरल का गया है, लेकिन SC कैटेगरी का देखा सीधा 9 नंबर का डिफरेंस, मतलब जनरल का जो भी था उसके लगभग 2 गुना है, मतलब 9 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो दायरे से देखा जाए जब उनका 1-2 नंबर बढ़ रहा है तो इनका भी 4-5-3-1 बढ़ रहा है, लेकिन जब ये 5 बढ़ा है तो ये इनका सीधा SC कैटेगरी का सीधा ये बढ़ गया है 9 नंबर, यानी कि 104 नंबर। अब इसमें अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए कि ये कैसे संभव है, यानी कि जनरल वाले अगर जितना तेज हो रहे हैं उससे ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है SC कैटेगरी के लोग, क्या ऐसे कैसे हो रहा है। जबकि देखा जाए तो कन्वेंट में पढ़ने की सुविधा भी जनरल वालों को ज़्यादा है रिलेटिवली कि SC वालों को। अब ये ठीक है कि वो बढ़ रहा है, अगर जो जिनका जो नंबर आया है 104 से ऊपर वो अच्छे ही होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचिए कि जो मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होंगे, MCA BCA करने वाले होंगे, उनका थोड़ा ये यहाँ तक पहुँच पाना सही बात है और उनके लिए थोड़ा रिलेटिवली आसान है। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो गांव में रह रहे होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, उनका जॉब भी कैसा होता है, 8-10 हज़ार रुपये की कहीं नौकरी लगती है प्राइवेट। सरकारी अगर बात करें तो वो 2-3 एग्जाम के बाद तो सोच ही नहीं पाते। अगर वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं है तो वो रेलवे, बैंकिंग और नहीं तो ये गाँव ब्लॉक ब्लॉक लेवल पर जो आता रहता है उसके अलावा तो वो सोच ही नहीं पाते हैं कि जॉब करनी है। आज भी अगर देखेंगे तो आप SC कैटेगरी में जाके देखेंगे कि सरकारी जॉब के नाम पे उन लोगों के पास क्या रहता है, तो गिने चुने लोग होते हैं, मतलब आप पूरा जिला खंगालेंगे तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारी के पोस्ट पे होंगे, और नीचे वाले सब वैसे ही रेलवे में होंगे, नहीं तो बैंकिंग में भी PO जल्दी नहीं बन पाते, देखते हैं कि वो लोग SC वो क्या करते हैं कि क्लर्क वाले पोस्ट पे हैं। और उनके लिए अगर PCS तैयारी करनी हो, UPSC तैयारी करनी हो, जो गाँव में रह के कर रहे हैं, 104 नंबर उनके लिए सच में नाइट मेयर सा होता है, एकदम लगता है कि ये सपने जैसा है। 100 नंबर जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिसोर्सेज जुटाना, पैसे में कहीं से कोचिंग ले पाना, जिनको कोचिंग है वो तो चलो सोच लेते हैं, लेकिन जो नहीं कोचिंग जिनको मिल रही है, इंटीरियर गाँव में रह रहे हैं, उनके लिए सच में बहुत मुश्किल है। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस विचार पर थोड़ा सोचने की सर ज़रूरत है कि कैसे ये हुआ है।
अचानक से एसी वाले लोग कैसे इतना तेज हुए हैं, अगर अगर उनका यह मात्रा बढ़ा भी है तो सीधा जनरल वालों से 2 गुना लोग कैसे रेशियो में बढ़ रहे हैं तेजी से, वो इतना तेज कैसे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि होंगे ऐसे में वैसे लोग होंगे, इसमें वो कैटेगरी के लोग ज़्यादा भी होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वनडे जो एग्जाम जो फेस करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली वो भी जाए कि ईजी हो जाए, लेकिन उनका कंपटीशन उनके मुकाबले जो जनरल कैटेगरी में है मेंस में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेंस में मुझे लगता भी नहीं कि वो सब मेंस भी लिखेंगे। इस कंडीशन में जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, वो उस लेवल पे जा भी नहीं पाएंगे कि मेंस लिखे और इंटरव्यू तक पहुंचे। हो सकता है इसमें डिजर्विंग कैंडिडेट हो, लेकिन मैं मास की बात नहीं कर रहा हूँ, कम की बात कर रहा हूँ कि वो कम ही होंगे जो कंपटीशन में बैठेंगे, और वो तो पता नहीं वो आउट होंगे क्या, वो तो आखिरी रिजल्ट बताएगा। लेकिन इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि 108 से जब आप 113 जनरल गया तो ये 95 से सीधा 104 गया, 9 नंबर का एक तरफ, इधर 5 नंबर का डिफरेंस। तो थोड़ा मैं और लोगों से भी अपील करूंगा जो कैंडिडेट्स हैं जो पहले से पदस्थापित हैं बीपीएससी में, या जो टीचर्स हैं वो भी इन मुद्दे को सोचे, थोड़ा इन बात पर भी मुद्दा उठाए, बात सोचे, इस पर चर्चा करें। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं इसी कैटेगरी से तो आता हूँ, तो मेरा मार्क्स 102 आ रहा है। अगर बात वो भी रही है कि कुछ सीट बढ़ाई जाए, तो इसमें अगर सीट बढ़ाई भी जाती है तो अगर कट ऑफ उनका अगर 2 नंबर भी कम कर पाएंगे तो इनका एससी वालों का कितना, जनरल वालों का अगर 2-3 नंबर कम कर पा रहे हैं तो एससी वालों का कितना होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए कि उनका अगर 3 नंबर कम हो रहा है तो इनको 2 किया जाए या 4 किया जाए, ताकि जो सीरियसली कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा इस रेस में आए कि मेंस लिखे, इंटरव्यू तक पहुंचे। ताकि बोला जाता है कि बहुत सारी जगहों पे इनकी सीट खाली रह जाती है, एससी एसटी वालों की सीटें खाली रह जाती है, रीजन यही हो सकता है, हो सकता है कारण ये भी हो जाए कि वहां तक पहुँचता ही ना हो स्टूडेंट। तब एसएससी वाले बैंकिंग वाले अगर वो जाके मान लीजिए पहुँच गए, पीटी निकाल लिए और वो जाके मेंस हो सकता है अच्छे से कम्पीट ना, उनका सीट ऐसे खाली भी हो सकता है, ऐसे ही होता होगा। तो इन मुद्दों को थोड़ा सोचे सर, नमस्कार।